भैया विनो ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। कक्षा नौवीं विषय गणित दिनांक 11/8/2020। कक्षा नौवीं में अध्याय चला दो बहुपद। इसमें प्रकरण है सरसमिकाओं से गुणनखंड। सरसमिकाएं दो प्रकार की होती है, बताया आपको। एक तो वर्ग सरसमिकाएं और एक घन वाली सरसमिकाएं। वर्ग वाली सरसमिकाएं अपन पढ़ चुके हैं, उसके सवाल भी कर चुके हैं, समझ चुके हैं। आज जो प्रकरण चलेगा वह घन वाली सरसमिकाएं, घन यानी घात तीन वाली सरसमिकाएं चलेगी आज। अब घात तीन वाली सरसमिकाएं पांच सरसमिकाएं हैं। पांच सरसमिकाएं देखेंगे आप। पहली सरसमिका है दो पदों के योग का घन, अर्थात ए प्लस बी का होल घन। इसका विस्तार रूप होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी प्लस सॉरी ए प्लस बी। दोबारा सुन लेंगे, ए प्लस बी का होल घन बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। इसी प्रकार दूसरी सरसमिका है ए माइनस बी का होल घन, दो पदों के अंतर का वर्ग, अंतर का घन, दो पदों के अंतर का घन घात तीन। ए की घात तीन माइनस बी की घात तीन माइनस तीन ए बी इंटू ए माइनस बी। फिर सरसमिका आती है तीन, ए क्यू प्लस बी क्यू, दो पदों के घन का योग, दो पदों के घनों का योग ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चौथी सरसमिका है ए क्यू माइनस बी क्यू, दो पदों के घनों का अंतर। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों सरसमिकाएं एक जैसी, फिर चिन्हों का इसमें फर्क है। फिर पांच सरसमिका है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये इसके तीन, इसमें तीन पद घन के होने चाहिए, शुरू के तीनों पद घन में होने चाहिए, तो ये सरसमिका लगती है। अब इस सरसमिका में यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान शून्य आ जाता है, ए प्लस बी प्लस सी का मान शून्य हो जाता है, तो ए प्लस बी प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस तीन ए बी सी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहां शून्य रखेंगे तो गुणा होकर यहां पूरा शून्य हो जाएगा। जब शून्य हो जाएगा तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर आ जाएगा तीन ए बी सी। तीन ए बी सी पक्षांतर में ये रह जाएगा, अर्थात ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या उत्तर हो जाएगा, तीन ए बी सी। इस प्रकार ये पांच घन की सरसमिकाएं हैं। ये घन वाली सरसमिकाएं आपको याद करनी है, इन सरसमिकाओं के आधार भी सवाल होंगे। सरसमिका यदि आपको अच्छी तरह आती है तो सवाल बिल्कुल सरल है। अब अपन एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं सवाल, आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। नंबर एक पहला एग्जाम्पल है 3x प्लस 4y का होल घन। अब सरसमिका कौन से लगाएंगे ये अपन के सवाल के ऊपर है। इन पांचों सरसमिकाओं में से ही कोई सरसमिका लगेगी। यह दो पदों के योग का घन, दो पदों के योग का घन। तो देखो यार, दो पदों के योग के घन वाली सरसमिका यह है, तो यह अपन सरसमिका लगा देंगे। ए प्लस बी का होल घन बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस तीन ए बी इंटू ए प्लस बी। अब इस सरसमिका से इस सवाल की तुलना करें अपन ने,
तो ए के स्थान पर क्या आ गया 3x और बी के स्थान पर क्या आ गया 4y, अर्थात इस सर समीकरण में ए का मान 3x और बी का मान 4y रखेंगे। तो देखो 3x प्लस 4y बराबर 3x प्लस 4y का होल घन बराबर ए क्यूब है तो 3x का क्यूब हो गया, प्लस बी क्यूब है तो बी की जगह 4y का घन हो गया, प्लस 3 ए का मान 3x इंटू बी का मान 4y, ए प्लस बी तो 3x प्लस 4y। अब ये मान रखने के बाद इसको हल करना है, क्यों सरल करना है, तो देखो 3x का होल घन किया अपन ने, तो 3 का घन कितना होता है 27, तो 27x का 3 प्लस 4y का होल घन करेंगे तो 4 का घन कितना होता है 64, 4 गुना 4 16 गुना 4 64 y का घन हो गया, प्लस ये गुणा हो रहे हैं तो 3 × 9 9 = 36 एक्स वाई, और ये 3x प्लस 4y है। अब ये 27x का क्यूब प्लस 64y का क्यूब प्लस अब 36xy को अपन गुणा करेंगे 3x प्लस 4y से, तो 36xy इंटू 3x करेंगे तो 36 × 3 = 108 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर ये वाई आ गया, प्लस 36 × 4 36 = 144 एक्स और वाई गुना वाई पे वाई स्क्वायर स्क्वायर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 27x³ + 64y³ + 108x²y + 144xy, ये इसका उत्तर होगा। फिर आपको हम फिर एक एग्जांपल और समझाते हैं, इसे मान लो किसी संख्या का घन करना हो सर समीकरण से तो कैसे करेंगे, जैसे 103 का घन करना है तो अब सब अब लिखा है कि इसमें सर समीकरण से हल कीजिए और घन है तो घन वाली सर समीकरण इसमें लगेगी। अब कोई भी सर समीकरण लगाई जाती है तो दो पद होना जरूरी है, तो 103 में अपन क्या लिख देंगे 103 में 100 + 3 100 + 3 के 103 हो गए, अपने 103 के नजदीक से वाली संख्या 100 ली और 100 में 3 जोड़े तो 103 हो गए, तो ये 103 के स्थान क्या लिख देंगे अपन 100 + 3 का घन हो गया। अब इसमें वही दो पदों के योग का घन वाली सर्वसमीकरण इसमें लगा देंगे, तो a प्लस बी का होल घन बराबर क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब यहां पर अपन तुलना करें तो a का मान क्या हो गया a बराबर 100 और b बराबर 3, ये मान अपन इस सर्वसमीकरण में रखेंगे, a की क्यूब तो 100 का क्यूब प्लस b का क्यूब 3 का क्यूब प्लस 3 × a का मान 100 × b का मान 3, फिर a प्लस बी यानी 100 + 3। अब 100 का घन कर दिया अपन ने 100 × 100 × 100 तो ये आ गया कितना, ये आ गया 1 के साथ ये 60 आ जाएगी। अब किसी भी सुनने वाली संख्या घन कैसे करते हैं, अब घन करना है तो 1 का घन 1 और 2 शून्य घात 3 से 6 इसकी 3 × 0 हो जाएगी, 2 × 3 = 0 यानी 6 लगा दिए अपन ने, 3 का घन 27 ये गुणा हो गए 3 × 3 9 9 × 100 900 ये 100 + 3 103। अब ये गुणा हो गया 27 900 × 103 कर दिया 12700, तो इसका अपन ने सबका टोटल कर दिया, इसका कितना आ गया उत्तर इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10,12,727। तो 103 का घन करेंगे तो कितना आएगा 10,12,727 इसका इसका उत्तर आ जाएगा। अब ऐसे फिर एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, x माइनस 2/3y का घन, अब यहां पर माइनस का चिन्ह आ गया बीच में इसलिए घन की सर्वसमीकरण लगेगी, लेकिन कौन सी लगेगी दो पदों के अंतर वाली घन की सर्वसमीकरण, तो a माइनस बी का होल घन क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब यहां पर a के स्थान पर क्या आ गया, a के स्थान पर x आ गया और b के स्थान पर क्या हो गया 2/3y, ये मान अपन यहां रख दिया, तो a क्यूब यानी x का क्यूब माइनस b क्यूब
दो बटा तीन वाई क्यूब माइनस तीन तीन ए एक ही साथ एक्स बी दो बटा तीन वाई इंटू एक्स माइनस दो बटा तीन वाई एक्स का क्यूब एक्स क्यूब दो बटा तीन वाई का क्यूब तो आठ बटे सत्ताईस वाई क्यूब माइनस तीन से तीन कट गए दो बच गए तो क्या हो गया दो एक्स वाई इंटू एक्स माइनस दो बटा तीन वाई फिर अपन ने इसको माइनस दो एक्स वाई को अंदर गुणा कर दिया तो एक्स क्यूब माइनस आठ बटे सत्ताईस वाई क्यूब माइनस दो एक्स वाई इंटू एक्स तो दो एक्स स्क्वायर वाई फिर माइनस गुणा माइनस प्लस दो दुनी चार बटे तीन एक्स वाई क्यूब इसका ये इसका उत्तर होगा। अब आप गृह कार्य लिख लेंगे गृह कार्य दो पॉइंट पांच प्रश्न माला दो पॉइंट पांच के सवाल नंबर है आपके छह व सात गृह कार्य में आपको करने हैं। इसका पहले ये आपको ये सारा काम गृह कार्य में उतारना है या सौष्मिका वगैरह सब गृह कार्य की कॉपी में आपको उतारनी है। सवाल जो भी करने हैं वो पहले रफ कॉपी में करने हैं उसके बाद आपको गृह कार्य में की कॉपी में करना है।